वेलकम टू डे थ्री ऑफ वो थ्री मेरी थ्री बनी नहीं रही है. वेलकम टू डे थ्री ऑफ गुलमर्ग. आई थिंक लास्ट क्लिप में भी ऋषभ भी था मेरे साथ. हम स्ट्रगल कर रहे थे एंड वी आर बैक टू स्ट्रगल इवन मोर. हाँ ना, लंदन में है हम. मेरा आउटफिट दिखा दे आज का. ऋषभ इज वेरी प्राउड आज के. खराब हो गई नीचे से, खराब हो गई बिकॉज हमें ये पैंट पहननी पड़ रही है. हर्ष का आउटफिट मैंने जैकेट घर से लेके आया था बट नीचे कुछ और हो गया. सेम हो गया ना आज. टू इन आइए. इट्स स्नोइंग. यहाँ पे बहुत लोगों का फर्स्ट स्नो एक्सपीरियंस है, लाइक स्नोफॉल. राइट, तेरा फर्स्ट है? नहीं ना, तेरा फर्स्ट है. इधर ही हुआ था फर्स्ट. अनम का फर्स्ट नहीं है. नहीं. अनम और मेरा साथ में था. नगमा का फर्स्ट है. फर्स्ट है. मैं तीन बार बना लेंगे, एक भी बार स्नोफॉल नहीं हुआ. स्नोफॉल मुंबई वालों के लिए बहुत ही अलग ही बात होती है. हमारे को जगह भी देखने मिलती है. सारे व्लॉग कर रहे हैं. सो फाइनली वी आर इन द गंडोला राइड, जिसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे. एंड हम काफी ऊपर जा रहे हैं एंड वहां से स्की करने वाले हैं. ऋषभ को स्की करना भी नहीं था, फिर भी जबरदस्ती लेके आ गए उसको. बेचारा. काफी अच्छी लाइट है बट जब से हम गंडोला राइड से नीचे उतरे हैं, एवरीबॉडी इज जस्ट टेकिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस अपने. हम एक्चुअली ब्लू चीज के नीचे बैठे हैं इसलिए ब्लू लाइट आ रही है. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? व्लॉग ऑफ. हमें कुछ गर्म मिलेगा पीने के लिए. हाथ जम गए मेरे, मेरे को बात करने नहीं हो रहा पता है. एंड अब हम स्की शुरू कर रहे हैं जब इतनी स्नो आ चुकी है एंड इतनी ठंड बढ़ चुकी है. देख तो कुछ नहीं आया. हमारे बाल वाइट हो चुके हैं. एंड स्कीइंग वालों के लिए सिर्फ 15 मिनट का है नीचे जाने के लिए, स्नो बोर्डिंग के लिए 1 आवर. तो हम तो होटल जाके बैठ जाएंगे. स्नो बोर्डिंग वाले आएंगे नहीं आएंगे हमको नहीं पता. वावी, इट्स सो ब्यूटीफुल यहाँ पे गाइस. ये हमारा व्यू है एंड अभी मैंने ब्लस ब्लॉग करने के लिए कैमरा निकाला है. टू मच बर्फ. मैं एक बार गिर भी चुकी हूँ एंड मेरे से कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्टीप है एंड मैं सिर्फ एक दिन सीखी हूँ इससे पहले. और हम आज ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे प्रो स्की और स्नोबोर्डिंग हो रही है. सो आउट ऑफ माई लीग. ये देखो कौन है. भैया टेकिंग मी बिकॉज यहाँ पे फ्लैट है एंड मैं बहुत स्लो वॉक कर रही हूँ. बोले कि चलो मैं फटाफट लेके जाता हूँ. बट स्नोफॉल बहुत तेज है गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज्यादा है अभी तो. माई फुल टोपी इज गीला बिकॉज आइस सारा मेल्ट हो रहा है, सब जगह आइस आइस, बाल गीले हो गए एंड वी आर फीलिंग वेरी कोल्ड. हम बस अभी वापस आए मैं और ऋषभ अकेले. हमने एक चीज तो डिसाइड कर ली कि स्की नहीं करना. बट मैं और ऋषभ एक दूसरे को बोल रहे थे स्कीइंग वाज फन बट बट पे रुक गए दोनों. इतना मतलब स्ट्रेस आ रहा था ना मुझे कि बैलेंस करूं. अच्छी लग रही है वो था कि मुंह पे स्नो आ रही थी. मैं एक टाइम पे अंधी हो गई थी स्नो देख के. पता है मैंने पहने थे उसके थ्रू भी आ रहे थे अंदर, आग के अंदर. मैं भी मेरे भैया क्यों मुझे हेट करते थे फिर. मुझे बोल रहे हैं उतार दो, मैंने उतार दी. फिर पता है पूरी राइड कैसे हुई. मैं मच लेटर इन द इवनिंग वी गोइंग फॉर डिनर नाउ. हेलो हेलो हेलो, दिस इज सिचुएशन अभी. एंड हम जा रहे हैं क्वाड बाइक, क्वाड बाइक स्नोमोबाइल, स्नोमोबाइल सॉरी. स्किन हम यहीं से बुड्ढे हो चुके हैं. मतलब टोपी. Hi
Hi guys, welcome to day 4 of Gulmarg. Just checking out of our room from here and going to Srinagar now. हम सुबह सुबह उठ के फटफट रेडी हो गए, फोटोज वोटोज निकाल चुके हैं फॉर इंस्टाग्राम एंड नाउ वी आर लीविंग, सो लेट्स गो. रेडी टू लीव. ठंडी बैग्स हैं यहाँ पे और ये पागल को सबको बर्फ टेस्ट कराना है. आई होप ये पी फ्लेवर नहीं है. हेलो सॉफ्ट सच्ची. अच्छा गला कुछ नहीं होगा, तूने सिर्फ पी लिया. फ्लफी का क्यों है? हम अभी गाड़ी में बैठे हैं और हमने रियलाइज किया कि हमारी पीछे वाली खिड़की इट्स ओपन. बहुत ठंड लगने वाली, कोई विंडो नहीं है हमारे पास. गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिप ऑफ आवर लाइफ जहाँ पे हमने एक भी चिप्स का पैकेट नहीं खरीदा. We finally got a shop with chips. I'm so excited, guys. We need blue lays. Happy kids. Happy kids. Yay! रिकॉर्डर है. हम आए हैं लंच करने के लिए कैमरामैन एडी के साथ, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम अभी खबर मिली है कि जैम फैम मेंबर्स में लंच करने बैठे हैं इन श्रीनगर. सारे अंडर कवर है. अभी किसी ने फोन इंस्टाग्राम स्नैपचैट कुछ नहीं देखा है. साल हो गए हैं यहाँ, लोग पतले दुबले हो रहे हैं, हालत खराब हो रही है हमारी. और थैंक यू वेरी मच. गाइस बहुत ठंड है यहाँ पे. सर जी तो रिलैक्स कर रहे हैं. ज़ूम इन मैक्स. क्रोनाल भैया क्या हनीमून फोटो? Here you go. पीछे भैया भी आ रहे फोटो बम कर रहे हैं. रेडी? चलो चिप्स भी चाहिए साथ में, तो फिर अंकल ही ला. ओ कूल बॉय, ही इज बिकमिंग कूल बॉय. रेडी? बोरा कैंडिड तेरा बोरा यार बचपन में. सो दीज आर आवर हाउसेस. ये नजदीक नजदीक होने नहीं है. ये जो बीच में आ गया ना, टू क्रॉस बिटवीन टू रूम्स. ओ नो, डोंट वरी गाइस, ब्रिज है वहाँ पे. सो दिस इज द एंट्रेंस, बोट हाउस का एंट्रेंस. लेट्स गो. आई डोंट नो आया इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पे, बट दिस इज व्हाट द इनसाइड. ओह व्हाट द फक, लाइट कहाँ से चालू हो गई? इन्होंने किया होगा. रूम नंबर 2. ओ सब सेक रहे हैं यहाँ पे. यार दीज आर वेरी गुड रूम्स, इट्स नॉट इवन कंजेस्टेड ब्रो. वॉशरूम तो देखा ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट. ओ बाथटब एंड ऑल पार्टनर, नाइस कलर. सबने बैग रखते ही चेंज कर लिया और फोटो शूट करने निकल गए. मतलब हम निकले हैं फोटो शूट करने, चेंज सिर्फ मैंने किया. गाइस संकेत के पैर ऊपर कैसा है, गैस करो. कैसा लग रहा है? ठंड बहुत ज्यादा है गाइस, स्ट्रगल करना पड़ रहा है. सही में इंस्टाग्राम कंटेंट के लिए कहते हैं कि इनको कुछ नहीं करना पड़ता. कितना ठंड है हमें. ओह नो. वी कम टू अ वुड कार्विंग वर्कशॉप. स्मॉल बोर्ड्स जिसमें माया भी. क्या बोलते थे? हाउस बोट. शकीरा नहीं, शिकारा. हम डिनर करने आए हैं और यहाँ पे कुछ अलग ही स्टोरी चल रही है. हमारे रिश्ता हो रहा है. वी कम फॉर आवर वेडिंग. दो फैमिलीज है, लड़के की फैमिली, लड़की की फैमिली. हम लड़कियाँ टीम ब्राइड. लड़की वालों ने गहने भी दे दिए आई थिंक. तुम ही हो लड़की वालों, तू ही है लड़की. ओह सॉरी, मैं लड़की, दो जोड़ी कपड़े में.
ये मेरे शौहर कौन होने वाले क्यों ये क्यों पैर नहीं छुए पंडित जी इधर है चाचा जी आगे चाचा जी ये छोटू है शनि भारी है मंगल ग्रह थोड़ा चाचा जी का लड़का है अभी कनाडा से वापस आया है कनाडा से आया देखो क्या ये लड़की लड़की को बुलाओ लड़की वालों लड़की लड़की आए थोड़ा दान देना पड़ेगा थोड़ा दान चाहिए हमें मतलब दो तीन डब्बे तो लगेंगे नहीं पाजी पूरी तैयारी के साथ आए अब रिश्ता पक्का करो चोर वेलकम टू द लास्ट डे ऑफ गुलमर्ग सीक्रेट बात है कि मैं नहाई नहीं हूँ बिकॉज यहाँ बहुत ठंडी है तो मैं फटफट मेकअप कर चुकी हूँ एंड वी आर गोइंग टू टेक पिक्चर्स अगेन अब ये वाली बोट पे जाने वाली हूँ मैं फ्लावर वाली हमको हाफ एन आवर में एयरपोर्ट के लिए निकलना है दिस आर लास्ट डे हियर सबसे बड़ा टास्क इज टू वॉक ऑन दिस पतली सी रोड बिकॉज ये पूरा शेक हो रहा है एंड ये है बोट हमारी कॉल्ड लिली डोंट बी सिली तो हम उनके साथ फोटोज निकालने जा रहे हैं दैट्स ट्रू सो पिकअप पॉइंट वाओ गाइस व्यू देख लो तो फाइनल शिकारा राइड हम घर जा रहे हैं अभी एंड आई थिंक मैं व्लॉग इधर ही एंड करने वाली हूँ गाइस बिकॉज माय बैटरी इज आल्सो लो सो व्यू एक बार लास्ट देख लो ये है और ये मेरा व्यू है सामने फाइनल गुड बाय थैंक यू गुलमर्ग Also guys, a very big thank you to Tripsy and Kunal Bhaiya. Thank you. Tripsy Life. Thank you Tripsy Life. हमारी ट्रिप बहुत अच्छी है हम उनको इंस्टाग्राम पे भी टैग करने वाले ना स्टोरी सो चेक दैट आउट सबको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो बिकॉज अब बहुत न्यू कॉन्टेंट आपको मिलने वाला है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू एंजॉय दिस वीडियो शाउट आउट फॉर दिस वीडियो आर टू शिफा शेख एंड समृद्धि And if you want a shout out in the next video, subscribe to my channel and comment on this video. बात करने नहीं हो रहा बहुत ठंडी है Bye, see you next time.